हेलो एवरीवन, मैं हूँ दीप्ति। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की हमारी रेसिपी, जो है मोटी वाली हरी मिर्चों का अचार। ये बहुत ही इंस्टेंट अचार बनकर तैयार होता है। इसको डालने के आप एक डेढ़ घंटे बाद ही इसको खा सकते हैं और ये बहुत ही चटपटा बनता है। आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है देखने में, खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट है। तो चलिए फिर रेसिपी शुरू करते हैं। तो इसके लिए ले ली है मैंने आधा किलो ये मोटी वाली हरी मिर्चें। आजकल मार्केट में बहुत अच्छी मिर्चें मिल रही हैं, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमें बहुत मोटी वाली हरी मिर्चें नहीं चाहिए। जिनकी पकौड़ियाँ बनती हैं हमें वो वाली हरी मिर्च नहीं चाहिए, हमें उससे थोड़ी सी पतली वाली चाहिए, लेकिन मोटी वाली हरी मिर्च चाहिए। इनको मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है और पंखे के नीचे आधे घंटे के लिए सुखा दिया है। तो चलिए फिर इन्हें काटना शुरू करते हैं। तो इसके लिए चॉपिंग बोर्ड पे हम इनको रख कर इनके हम एक एक सेंटीमीटर के मोटे टुकड़े कर लेंगे। इनको हम छल्लों के रूप में काट लेंगे, मतलब हम इनके गोल गोल रिंग्स काट लेंगे। इस तरह से हम एक एक सेंटीमीटर के रिंग्स काट लेंगे इन मिर्चों के। ये देखिए, इसी तरह से हम सारी हरी मिर्च काट लेंगे। यहाँ पर आपको डंडी तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, इसको पकड़ कर काटना बहुत ईजी हो जाता है, इसलिए इसको ऐसे रहने देंगे और काटते समय ही इसको अलग कर देंगे। ये देखिए, मैंने सारी हरी मिर्च काट ली हैं। अब हम इनको एक बोल में ले लेंगे। हरी मिर्चों को बोल में ले लिया है, अब इसे हम थोड़ी देर के लिए ढक कर रख देंगे। तब तक इसका हम मसाला तैयार करेंगे। मसाला तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन ले लिया है और इसको मैंने बिल्कुल धीमी आंच पर रखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे डेढ़ टीस्पून मेथी दाना। इसको पहले हम 30 से 45 सेकेंड तक भून लेंगे, इसका भुना हुआ फ्लेवर आना ज़रूरी है। ये देखिए, बहुत अच्छे से भुन गई है। अब हम इसके अंदर बाकी का सामान डालेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे आधा टेबल स्पून जीरा, एक टीस्पून अजवाइन, एक टेबलस्पून महीन वाली राई और 6 टेबलस्पून सौंफ। ये अचार वाली मोटी सौंफ है, इसको हम डाल देंगे और धीमी ही आंच पर हम 2 से 3 मिनट तक इनको अच्छे से भून लेंगे। हमें इसमें से धुआं नहीं निकालना है और ना ही हमें बहुत ज़्यादा रंग इसका बदलना है। ज़्यादा रंग बदलने पे इनके स्वाद कड़वा हो जाएगा, तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमें मसाले धीमी आँच पर सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए ही भूनने हैं। ये देखिए, मैं इनको हाथों से छू पा रही हूँ और 3 मिनट हो चुके हैं। ये बहुत अच्छे से गर्म हो गए हैं, इनकी नमी निकल चुकी है। तो अब हम यहाँ पर गैस को बंद कर देंगे और इन मसालों को एक प्लेट में निकाल कर ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हम इन्हें पीस लेंगे। मसाले हमें ना ही तो बहुत महीन पीसने हैं और ना ही हमें यहाँ पे दरदरे मसाले चाहिए, हमें बीच का मसाला पिसा हुआ चाहिए। ये देखिए, हमारी मिर्चें एकदम तैयार हैं कटी हुई। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे पिसा हुआ मसाला जो अभी हमने रेडी किया है, इसको सबसे पहले हम डालेंगे इसमें। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1.5 टीस्पून कलौंजी, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 2 टेबलस्पून सादा नमक, 1.5 टेबलस्पून काला नमक। अब इन सबको हम बहुत अच्छे से सबसे पहले मिला लेंगे। हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले सूखे मसाले ही मिर्चों में मिलाने हैं। सूखे मसाले मिर्चों में मिलाने से इसके रिंग्स के अंदर भी मसाला चला जाएगा। अगर हम पहले ही इसमें ऑयल के साथ इनको मिलाएंगे तो मसाला अंदर तक नहीं जाएगा मिर्चों के, सिर्फ ऊपर ऊपर लग जाएगा, जिससे मसाले का स्वाद मिर्चों में नहीं जाएगा। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है कि अभी हमें यहाँ पर तेल और सिरका बिल्कुल कुछ नहीं डालना है। और अब हम इसमें डालेंगे 4 टेबल स्पून अमचूर पाउडर, इसको भी बहुत अच्छे से मिला लेंगे। सारे मसाले बहुत अच्छे से अंदर और बाहर दोनों तरफ लग चुके हैं। आप देख सकते हैं कि मिर्चों के जो टुकड़े हैं बिल्कुल कोट हो चुके हैं मसाले में। अब हम इसमें डालेंगे आधा कप ऑयल। मैं कच्चे तेल का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि मुझे इसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती है। आप चाहें तो पहले तेल को धुआं निकलने तक पका कर उसे ठंडा कर लें, इससे भी अच्छा अचार बनता है। अच्छे से मिला देंगे और अब हम इसमें डालेंगे 1/4 कप सफ़ेद सिरका, इसको भी डालकर हम अच्छे से मिला देंगे। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर रंग आने लगा है इसमें और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। ये बहुत ही चटपटी बनती हैं, खट्टी तीखी और बहुत ही टेस्टी मिर्च बनकर तैयार होती हैं ये, और तुरंत ही खाने लायक हो जाती हैं। आप इसे दाल चावल के साथ खाइए, आपको किसी सब्जी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखिए, हमारा अचार एकदम तैयार हो चुका है। इसको आप जार में भर के रख लें और इसको एंजॉय करें। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।